तो दोस्तों आज मार्च की 24 तारीख है और बहुत दिन से कमेंट्स आ रहे थे कि नर्सरी की जो विजिट की वीडियो है वो शेयर कीजिए। इस समय पर कौन सी वैरायटी नर्सरी पर अवेलेबल है, क्या इसके रेट्स हैं, कौन सी वैरायटी परचेज करना सही रहेगा, ये सब शेयर कीजिएगा। तो बिल्कुल मैं अम्बाला सिटी की एक बहुत ही खूबसूरत सी नर्सरी पर आया हूँ। यहाँ पर कौन कौन से पौधे किस किस प्राइस में अवेलेबल हैं ये सब आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी। सबसे पहले अगर बात करें नर्सरी के एड्रेस की, तो जो भी इस नर्सरी का एड्रेस है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सब आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इजीली नर्सरी का एड्रेस पढ़कर इनको कॉन्टैक्ट करके नर्सरी पर पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये गर्मी का मौसम है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ गर्मी के सीजनल पौधों से ही, क्या इनके प्राइस हैं, क्या इनके नेम्स हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप ग्रीनरी के लिए कोई प्लांट ग्रो करना चाहते हैं बिल्कुल आउटडोर और पूरी धूप के अंदर, तो ये कोचिया एक परफेक्ट ऑप्शन है समर सीजन के प्लांट्स में। कोचिया की अगर प्राइस की बात करूं तो इस तरह से पैकेट में लगा हुआ जो ये पौधा है कोचिया का, ये आपको 20-20 रुपीज में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला अगर कोई पौधा मैं कह सकता हूं तो उसमें से एक प्लांट है विंका या सदाबहार का। सदाबहार जो ये हाइब्रिड वाली वराइटीज रहती हैं, इसके अंदर आपको बहुत से कलर ऑप्शन भी अवेलेबल रहते हैं। अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो इस तरह के जो पैकेट में लगे गए विंका के पौधे हैं, इस तरह के जो प्लांट्स रहेंगे, ये आपको 20 रुपीज ईच 20-20 रुपए में मिल जाएंगे। पिछले कुछ दिन से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि पोटुला का या पर्सलेन के अच्छे डिफरेंट कलर ऑप्शंस कहाँ से मिलेंगे, तो इस नर्सरी पर पोटुला का मैं ऑलमोस्ट कह सकता हूँ मैं बहुत से जो कलर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। और अगर प्राइस रेंज की बात करूँ इस तरह से देखिए बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स पैकेट में लगे हुए जो ये प्लांट्स हैं इनकी जो कॉस्ट है वो 20-20 रुपए। इसी तरह से सीजनल पौधों में कॉस्मोस के फ्लावर, इस तरह से देखिए ये सनफ्लावर या सूरजमुखी का जो हाइब्रिड वाली वैरायटीज रहती हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो आपको जीनिया में बहुत से कलर ऑप्शंस, और एक जो और खूबसूरत सा समर सीजन का फ्लावर रहेगा ये है बालसम का पौधा। इस तरह से सभी ये जो सीजनल प्लांट्स हैं इनकी जो प्राइस की बात करूं तो सभी के सभी पौधे पैकेट में लगे हुए जो प्लांट्स रहेंगे ये आपको 20 रुपीज ईच 20 रुपए में मिलेंगे। चलिए ये तो बात हुई कुछ सीजनल पौधों की, सीजनल पौधों से अब चलते हैं परमानेंट पौधों की तरफ। परमानेंट पौधे ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग समर सीजन में बहुत अच्छे से करते हैं, उनमें से पहली जो परफेक्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं इस तरह से देखिए ये स्टार मोगरा का प्लांट है। स्टार मोगरा एक बहुत ही बेहतरीन सेमी वाइन टाइप प्लांट कह सकता हूँ, ये बेल रूपी पौधा है लेकिन कुछ हद तक ये प्लांट की तरह ही ग्रो करता है, एक बुश की तरह ग्रो करने वाला प्लांट। इस पौधे की जो खास बात है इसमें छोटे प्लांट में ही आपको बहुत सी कलियां, बहुत से फ्लावर्स जो हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं और कटिंग से इजीली प्रोपेगेट भी कर जाता है। इस तरह से देखिए एक ही पोट के अंदर डबल डबल आपको प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए गए मिलेंगे। ये सब कटिंग से हालांकि तैयार किए गए पौधे हैं। अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो इस तरह से ये पुणे की लाल मिट्टी में लगे हुए प्लांट्स हैं और इनका प्राइस 100 रुपीज है, 100 रुपये। इस तरह से देखिए छोटे से बास्केट के अंदर लगे हुए ये प्लांट्स हैं। बहुत दिन से बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि गुलाब के अच्छे पौधे इस समय पर कहाँ पर मिलेंगे, तो देखिए इस समय पर गुलाब के बहुत अच्छी जो वैरायटी है मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस समय आपको जो ये प्लांट्स दिखाई देंगे ये बहुत हेल्दी पौधे हैं और सभी के सभी इस तरह से कुछ पैकेट में लगे हुए प्लांट्स हैं। ये देखिए छोटे पैकेट में पुणे की रेड सॉइल के अंदर लगे हुए ये प्लांट्स हैं और एक एक प्लांट के अंदर आपको जो ढेरों कलियाँ हैं वो नज़र भी आएंगी। तो यहाँ पर मिक्स वैरायटी है, हालांकि अभी जो फ्लावर्स हैं वो प्रॉपर खिले हुए नहीं हैं तो मैं आपको वैरायटी के नेम्स तो प्रॉपर नहीं बता सकता, लेकिन अगर प्राइस रेंज की बात करूँ तो इन्होंने इन प्लांट्स को कुछ 2-3 डिफरेंट रेट्स में जो है वो डिवाइड किया है। पहले तो देखिए इस तरह से जो बड़े पैकेट में लगे हुए प्लांट्स हैं जिनका पैकेट का साइज़ 6 इंच या 8 इंच का है, इस तरह के जो पौधे हैं ये 100 रुपीज़ की रेंज में है, 100 रुपये की रेंज में, क्योंकि ये थोड़े से मैच्योर बड़े प्लांट्स हैं। दूसरे जो ये प्लांट्स इस तरह से कुछ छोटे पैकेट में लगे हुए जो कि पैकेट का साइज़ 4 इंच का है, ये थोड़े से छोटे पौधे हैं और इनका अगर प्राइस रेंज की बात करूं इस तरह के जो पौधे हैं ये 70 रुपीज़ 60 रुपये के अंदर, इनके अंदर भी आपको जो कलर ऑप्शंस हैं बहुत सी मिल जाएंगी।
और तीसरी अगर कैटेगरी की बात करूं कुछ इस तरह के गुलाब के पौधे जिनके अंदर सेंटीमेंटल रोज, आबरा का डाबरा या डबल डिलाइट, इस तरह के जो भी प्लांट्स रहेंगे उनका जो प्राइस रेंज है वो 150-150 रुपए के अंदर है। तो जो भी मेरे दोस्त गुलाब के पौधों के शौकीन है इस समय पर यहाँ पर विजिट कीजिए, आपको ये हेल्दी प्लांट्स मिलेंगे। दूसरा, अभी बिल्कुल राइट टाइम है, इन प्लांट्स को आप रिपोर्ट कीजिए, ये इजिली पूरी गर्मी भर सर्वाइव भी करेंगे। अगले अगर पौधे की बात करूं, अगला जो प्लांट आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये समर गार्डन को एक कलरफुल लुक देने के लिए बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन है, ये बोगनविलिया का पौधा है। बोगनविलिया में यहां पर जो खास बात मुझे लगी, बहुत ही कम रेट में बहुत से कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये देखिए इसका ये पर्पलिश पीच कलर बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो के अंदर शेयर भी किया था, मेरी नर्सरी शॉपिंग वीडियो में, तो मैंने उसके अंदर इसका जो प्राइस है वो 250 रुपीज़ शेयर किया था, लेकिन वो थोड़े से मेच्योर बड़े पौधे थे। ये जो प्लांट्स हैं ये थोड़े से कह सकता हूँ कि छोटे प्लांट्स हैं, इस तरह से कुछ पैकेट में लगे हुए प्लांट्स हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ छोटे पैकेट्स में लगे हुए प्लांट्स, तो ये बेस्ट ऑप्शन है इस सीज़न के लिए। इसके अगर प्राइस रेंज की बात करूँ, इनका जो प्राइस है ये यहाँ पर 50 रुपीज़ है, 50 रुपये। गर्मी में खिलने वाला एक और बहुत ही खूबसूरत सा बेल वाला जो ये पौधा आप देख रहे हैं, इसको कृष्ण कमल, पैशन फ्लावर या राखी बेल बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत से इसके जो फ्लावर्स रहते हैं, इसके फ्लावर्स की जो पिक है कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूं। इस तरह से कुछ ये जो प्लांट्स हैं ये छोटे से नर्सरी के पोट में लगे हुए प्लांट्स हैं, लेकिन बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं। तो इनका अगर प्राइस रेंज की बात करूँ, इस तरह के जो ये बेल वाले पौधे हैं इनका प्राइस 60 रुपीज़ है, 60 रुपये। इसी बेल के अंदर आपको इसकी मैं दूसरी वैरायटी भी शेयर करूंगा, पहले आप इसके लीफ का साइज नोट कीजिए, इसका जो लीफ का साइज है थोड़ा सा छोटा साइज है, इसी की मैं दूसरी वैरायटी आपके साथ शेयर करूंगा। ये देखिए राखी बेल की ही यहाँ पर एक और वैरायटी है, इसके जो फ्लावर का साइज रहेगा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, और इसके अगर लीफ का साइज भी आप नोटिस करेंगे, ये देखिए जो पहले मैंने आपको लीफ का साइज दिखाया था उससे बहुत बड़ा लीफ का साइज है। ये 8 इंच के इस तरह से कुछ गमले में लगे हुए प्लांट्स हैं और बिल्कुल रेडी प्लांट्स हैं। इनकी जो प्राइस है थोड़ा सा कॉस्टली प्राइस है, ये 250 रुपीज़, 250 रुपये की रेंज के अंदर है। उसके बाद एक और जो बेल के अंदर बहुत ही खास ऑप्शन है ये जूही की बेल। मुझे हालांकि 100% कंफर्म नहीं है ये जूही है या कुंद का पौधा है, तो अगर आपको कंफर्म हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से देखिए इसके जो बर्ड्स का कलर है वो थोड़ा रेडिश कलर है, तो हो सकता है ये कुंद का पौधा रहे। इसके जो प्राइस रेंज की बात करूं, इस तरह से इसके हेल्दी प्लांट्स हैं, और रेंज की बात करूं तो इनका जो प्राइस है इस तरह से पैकेट में लगे हुए प्लांट्स, इनका प्राइस 60 रुपीज़ है, 60 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर हिबिस्कस के बड़े बड़े मैच्योर प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, इस तरह से हाइब्रिड वैरायटी के हिबिस्कस और बड़े पौधे 8 इंच के गमले में लगे हुए जो ये प्लांट्स हैं, ये देखिए आप इनका रूट स्ट्रक्चर, इनका स्टेम बेस देख सकते हैं, ये बहुत ही बड़े और मैच्योर पौधे हैं। इनके अगर प्राइस रेंज की बात करूं तो इस तरह के जो ये मैच्योर प्लांट्स हैं इनका प्राइस 170 रुपीज़ है, 170 रुपये। इसी के अंदर आपको यहाँ पर कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब कुछ इस तरह से कुछ फ्लावरिंग प्लांट से शिफ्ट करते हुए चलते हैं कुछ इंडोर पौधों की तरफ, कुछ इंडोर पौधों को देखते हैं और फिर वीडियो का एंड करेंगे। इंडोर की अगर बात करूं तो इंडोर में मुझे बहुत ही खूबसूरत सी जो ऑप्शन लगी यहां पर देखने में, ये एंथूरियम का प्लांट है। एंथूरियम का प्लांट बहुत ही हेल्दी प्लांट है, इस तरह से कुछ छोटे 4 इंच के नर्सरी पोट के अंदर, कोकोपीट के अंदर लगा हुआ ये जो प्लांट है। कलर ऑप्शन की बात करूं, कलर ऑप्शन यहां पर मुझे जो दिखाई दी ये इस तरह से कुछ वाइटिश पिंक कलर दिखाई दिया, ये इसके फ्लावर्स रहते हैं और इंडोर में अच्छे से फ्लावरिंग करता है ये पौधा। प्राइस रेंज की बात करूं तो इस तरह के जो ये हेल्दी प्लांट्स हैं इनका जो प्राइस है यहां पर, ये देखिए इस तरह के जो पौधे हैं इनका प्राइस 200 रुपीज़ है, 200 रुपये। उसके बाद दूसरी बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है समर गार्डन को एक कलरफुल लुक देने के लिए। इससे खूबसूरत पौधा मुझे सही मानो तो कोई भी नहीं लगता गर्मियों में अपने इंडोर गार्डन को एक बहुत कलरफुल लुक देने के लिए। इसको एग्लोनीमा बोलते हैं, ये लिपस्टिक एग्लोनीमा की वैरायटी है। प्राइस रेंज की बात करूं तो इस तरह से जो ये छोटे प्लांट्स हैं इनका प्राइस 150 रुपीज़ है, 150 रुपये। उसके अलावा यहाँ पर क्रोटॉन में बहुत सी वैरायटीज़ अवेलेबल हैं छोटे बड़े साइजेस के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स पर। और एक और जो बहुत ही खास ऑप्शन है ये है पान की बेल। पान की बेल भी सेमी शेड या इंडोर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती है,
प्राइस रेंज की बात करूं तो पान की जो ये बेल है इसका प्राइस 70 रुपीज है, 70 रुपए इस तरह से गमले में लगा हुआ ये पौधा है। इसी तरह से यहाँ पर और भी प्लांट्स की बहुत सी ऑप्शंस है जो आप इस समय पर इस नर्सरी से परचेज कर सकते हैं, जो बिल्कुल परमानेंट है और आपके इनडोर आउटडोर गार्डन को चार चांद लगा सकते हैं। तो जल्द ही मिलूंगा इसके नर्सरी विजिट के पार्ट टू के अंदर सुंदर सुंदर गमलों के साथ, बोनसाई पॉट्स के साथ, मिट्टी और प्लास्टिक पॉट्स के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।